सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एक्सरसाइज 1.4 उत्तरोत्तर आवर्धन की एक्सरसाइज है। इसमें हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है गिवन हमारा जो नंबर है उसे। मेथड का नेम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब उसको मैग्नीफाइड करके उसका साइज इंक्रीज करके देखना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे हम इसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3.765 नंबर किस दो नंबर के बीच में, होल नंबर्स के बीच में लाई करता है, 3 और 4 के बीच में। तो हम नंबर लाइन पे पहले नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन को वी विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट। जो पहला नंबर है होल नंबर 3, इस 3 के बाद हम इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा हूँ, आपके सेंटीमीटर स्केल पे 1, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, 6 part, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10, यानी जो आपका होल नंबर है 4। उनके बीच में आपके नंबर आएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड देन 0.1 ऐड किया तो ये 4। नाउ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मीन, अब आप देखिए अभी तक आपने क्या रिप्रेजेंट किया, ओनली 3.7। आपको अभी अप टू 3 डेसिमल तक ये नंबर आपको गिवन है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 3.765 के इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे 3.7 के और दिस 3.8 के। तो हम मैग्नीफाइड करेंगे अगले स्टेप में इन दो नंबर्स को, वी विल मैग्नीफाइड, है ना, हम आवर्धन करेंगे किसका, इन दो संख्याओं का जिनके बीच में हमारा 3.765। अभी देखिए हमारी सिर्फ अप टू 1 डेसिमल डिजिट चल रहा है। जो नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन हमने किया, अब हम एक और नंबर लाइन बनाएंगे, वी विल ड्रॉ अनदर नंबर लाइन, एक नंबर लाइन और बनाने जा रहे हैं हम। ये एक और नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ओके, दिस इज़ अवर अनदर नंबर लाइन। अब इसका जो फर्स्ट नंबर है वो कौन है, 3.7। जिन दो नंबर का मैग्नीफिकेशन करें उनमें फर्स्ट कौन है, 3.7। अगेन हम इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दिस 10th पार्ट इज आर 3.8। ये हमारा दसवां जो भाग है वो 3.8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.8 को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमें इनके बीच में अगेन क्या नंबर आ रहे हैं, देखिए 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ठीक है। अब देखिए अभी हमारा नंबर था गिवन 3.765। अब आप देखिए इस नंबर लाइन पे जो सेकंड हमने मैग्नीफिकेशन अभी इसके इसको मैग्नीफाई करके जो हमने एक नंबर लाइन बनाई है इस पे 3.76 का है, ये रहा, हेयर वी हैव। तो ये जो नंबर है 765 ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, इन दो नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फर्दर मैग्नीफिकेशन करेंगे किसका, इन दो नंबर का। तो एक और नंबर लाइन बनेगी, अब बनेगी 3.76 से स्टार्ट होगी और 3.77 तक आपके ये हमने ड्रॉ करी नंबर लाइन, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ दिस नंबर लाइन इज 3.76, इसे फिर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन वी विल डिवाइड इट इनटू 10 इक्वल पार्ट, 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन. दिस टेंथ पार्ट इज 3.77. ये 3.77 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके अब यहाँ पे नंबर लिखेंगे 3.76. अब थर्ड प्लेस का इंक्रीमेंट होगा. देखिए थर्ड तो देखिए 0.001 ऐड होगा. इसमें 0.01 ऐड हुआ था, इसमें 0.1 ऐड हुआ था. 0.1 का इंक्रीमेंट था या 0.01 का इंक्रीमेंट है और यहाँ 0.001 का. तो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 and 3.770. देखिए इसकी थर्ड प्लेस पे देर इज नथिंग बट ज़ीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं थर्ड पोजीशन, मतलब आपके देखिए ये कहलाते हैं टेंथ पार्ट 1/10, ये 1/100 यानी हंड्रेड पार्ट, और ये थाउजेंड पार्ट पे देर इज नथिंग. तो भाई कोई डिजिट नहीं दी हुई है, इट्स मीन क्या है, ज़ीरो है. तो वी कैन राइट इट 3.770 बिकॉज 3.769 में व्हेन वी एड 0.001 तो हमें क्या मिलता है 3.770. तो वी कैन राइट इट 3.77, तो हमें इसे 3.77 भी लिख सकते हैं या 3.770 भी लिख सकते हैं. तो इस क्वेश्चन को हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन उत्तरोत्तर आवर्धन से किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने एक नंबर लाइन बनाई. किसकी बनाई, दो होल नंबर की जिसके बीच में हमारा एक गिवन नंबर लाई करता है. तो दो होल नंबर 3 and 4 हैं. देन हमने क्या किया, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3.1 3.2 3.3 उसके बीच में जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर थे वो नोट कर दिए. देन फिर हमने देखा कि ये जो हमारा नंबर है इसका अभी हमें सिर्फ टेंथ पार्ट मिला है. इस नंबर लाइन पे तो ओनली टेंथ पार्ट मिला है. तो ये जो नंबर है अभी इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें फर्दर इनका मैग्नीफिकेशन करना है, इन्हें ही मैग्नीफाइड करके बड़ा करके देखना है. तो इन्हें बड़ा करके देख रहे हैं, तो अब इन्हें बड़ा करके देखा 3.7 और 8, इनमें फर्दर जब इनको बड़ा करके देखा मैग्नीफाई करके देखा तो इनके बीच में अगेन डेसिमल नंबर्स थे 3.71 72 73 दिस वन अभी भी, लेकिन अभी तक 2 डेसिमल पॉइंट तक ही रीच करा है हमने. तो अब 3.76 तक हमने रीच कर लिया है. तो 3.765 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 3.76 और 3.77. तो अब इनका फर्दर मैग्नीफिकेशन होगा. फिर इनको बड़ा करके देखा 3.76 और 77 को, तो बड़ा करके जब देखा तो इनके बीच में फर्दर डेसिमल नंबर लाई कर रहे थे 3.761 3.762 763. फिर हमारा जो एम था वो था 3.765. तो दिस इज़ आर मेन जो हमें आंसर चाहिए था. तो दिस इज़ आवर आंसर. तो अब हमने जैसे ही थर्ड स्टेप पे मैग्नीफिकेशन के हम पहुँचे तो हमें हमारा आंसर मिल गया. तो उसके बाद हमें फर्दर मैग्नीफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी और यहीं हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया. थैंक यू.